कल रात को डोबी से लगभग 11 बजे इसको रेस्क्यू किया था और शायद इसके यहाँ पर कोई चोट लग गई है, ये आप देख सकते हैं, इसकी मलम पट्टी वगैरह कर रहे हैं, एक चोट वो वहाँ पर लगी है और ये यहाँ पर भी लगी, यहाँ पर भी लगी है। क्या है, नेवला ने इसे क्या परेशान किया था, कहा है इसको गर्म पानी से साफ करेंगे और फिर इसकी पट्टी वगैरह करेंगे, पट्टी है निकाल लेते हैं। ओ भाई खोलो कौन सो आप, हेलो हेलो मैं अभी भूखा है। और जब भी कोई ऐसे जीव जंतु हाँ जख्मी हो जाते हैं तो उसकी पूरी डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद में, ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद में फिर उसको छोड़ते, क्योंकि ऐसी स्थिति में छोड़ देंगे तो उसकी चींटी लग जाएगी, मर जाएगा। सफाई तुम कर दोगे फिर जख्मी कौन सा करे। पप्पू कितो, ये हमारे सब साथी गण है, ये संजीव चौहान है, ये दीपेश चौहान है। नहीं रेस्क्यू करवे गए थे, बेच के रहे हमने, मारो मारो नहीं डोबी वोट बस ठीक है। रुई भाई पर रख दो, रुई पूरे में फैला के जब तक अपने ही घर रखना पड़े। यहाँ तो खाली तेज दवाई लगा दो पट्टी के बीच में। बस बस जैसे यहाँ पट्टी है कि थोड़ी बड़ी कौन राजा साहब की फोटो खींचा कर।
और भी छोटे मोटे से घाव है, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा पट्टी कर दिया। ऐसा इसको दो दिन बाद पट्टी करना पड़ेगा, दो दिन बाद इस पट्टी को देख लेंगे, फिर दूसरे दिन इसकी पट्टी बनाया करेंगे। चलते हैं। कुप्पा बदल दें दूसरों, वीडियो अप कर दो। चच्चा दांत तो है ही नहीं, रह गया दांत चच्चा, निकाल दे, दिखते नहीं थे। दांत जी मस्से के अंदर रह गए, लग गई जाती। कौन न मारो को? मारो नहीं, वो तो नोरा मोरा उन्हें परेशान करो। जो ढक्कन नहीं है फिर ठीक है, वो मोजे का भी इन्हें छोड़ भी जा रहे होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी से यही उम्मीद है कि इसकी दुआएं करें कि ये बच जाए, और वैसे तो वो सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दुआएं करें भगवान से, भोले नाथ से कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तो हम इसको रिलीज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।